you don't you, okay? वियर्ड, मतलब कुछ लोग खुश होते हैं इसको देख के कि बहुत क्यूट है, कुछ मुझे मतलब सीनियर है तो वो मुझे सुना देते हैं कि इतने छोटे बच्चे को चश्मा क्यों लगाया है एंड ऑल दैट. तो मतलब कुछ को समझ ही नहीं आता उसके स्पेक्स हैं कि गॉग्स हैं, तो मिक्स रिएक्शंस हैं. मोस्टली वही कि बहुत क्यूट है, बहुत अच्छी लग रही, क्या हुआ इसको. तो आई जस्ट से कि उसकी आई साइट वीक है अभी. कईयों ने मुझे कहा कि इट्स टू बैड, बहुत बुरा हुआ. तो आई एम लाइक कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा है कि टाइमली पता चल गया, शी कैन सी एटलीस्ट. सो आई जस्ट स्पीक पॉजिटिव अबाउट इट. हाई फाइव, वेरी गुड. मतलब हमने वेदा भी इसीलिए उसका नाम रखा था, बिकॉज इट मींस नॉलेज. शी हैज ब्रॉट अ लॉट ऑफ नॉलेज टू अस. मतलब अब थोड़ा काम हो गए हम लोग, हम बहुत ज्यादा एक्टिव रहते थे, नाउ वी आर अ बिट काम इधर. दिन जैसे एक बिल्कुल टिपिकल बच्चे के साथ, सुबह हम लोग वॉक पे जाते हैं, इसकी थेरेपी होती है. थेरेपिस्ट हमारी मतलब काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी सजेशंस देती हैं. उसके बाद ये आएगी, सेकेंड टाइम ब्रेकफास्ट करेगी. थेरेपी इसकी फिजियो है. जैसे जब ये आई थी तो ये सिर्फ लेटी रहती थी, बट विद इन अ मंथ शी स्टार्टेड सिटिंग. तो वो फिजियोथेरेपी है, जस्ट मूविंग हैंड्स एंड यू नो मसल्स एक्टिव करना. मतलब हम वो बताना चाहेंगे कि वो अडॉप्टेड है, बट इट्स नॉट लाइक कि हम उसे ये बोलेंगे नहीं तुम्हें किसी ने छोड़ दिया था. पॉजिटिव वे कि मतलब तुम नेचुरल, जैसे बाकी बच्चे आए हैं तुम उस तरह नहीं आए हो, तुम्हें हम लेकर आए थे, तुम कहीं पर थे और तुम हमारे लिए वहां पर थे और हम तुम्हें वहां से लेकर आए. तो वी वुड लव टू टेल इन अ पॉजिटिव वे. मतलब उसको ज्यादा मतलब बुरा नहीं फील होना चाहिए, बट मुझे नहीं लगता इसमें छुपाने वाली बात है. इट मींस देन हम भी वही काम कर रहे हैं जो सोसाइटी कर रही है, जस्ट यू नो नॉट टेलिंग एनीथिंग. सम पीपल आर लाइक कि क्यों किया, मतलब फुलिश मतलब दे टुक अ डिसीजन इन अ सॉर्ट की मतलब ले लिया बस ऑन इन अ हीट एंड दे डोंट नो व्हाट दे हैव डन.